मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी विल रीड आवर न्यू चैप्टर क्यूरियस टाउन. लेट्स स्टार्ट क्लास फोर. लेट्स स्टार्ट क्यूरियस टाउन. आई हैव अराइव्ड एट अ क्यूरियस टाउन. मैं गया एक क्यूरियस टाउन. ये इसका सपना है. ये गया एक उल्टी जगह पर जहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा था. विच इज़ पेंटेड विद क्यूरियस ह्यूजेस. वो पेंट हो रखा था बहुत सारी उल्टी चीज़ों से. एंड देयर द किटन्स बार्क एंड वर. जो कैट थी वो भौंक रही थी. भो 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 भो. And the puppy meow meow meow. Next paragraph. And there the frog climbed up the tree. जो मेंढक था वो पेड़ पर चढ़ रहा था. And crocs और वो पेड़ पर चढ़ के काव काव कर रहा था जैसे कि कोई कौवा हो. Prepare the shower pleasing eyes. प्रिपेयर कर रहा था कि शावर हो आइस की मतलब कि रेन हो. इट इज गोइंग टू हाल टुडे. आज बारिश होने वाली है. अरे एंड देयर रिवर्स फ्लो विद फायर्स. ये देखो जैसे कि हम सबसे लाइट कलर ले लेते हैं. ये तो है नदी. नदी है ये. लेकिन ये बह रही थी आग के साथ. ये भरी थी आग के साथ. ये आग है. आग के साथ भरी थी ये. The volcano is packed with dew. जो धुंद होती है वाइट वाइट volcano उसके अंदर वो थी dew. dew मतलब volcano के अंदर जो धुंद होती है वो उसको dew कहते हैं. और fog भी कहते हैं कि देखो आज fog हो रहा है. The huge rainbow more than eight colors. जो बड़ा सा रेनबो होता है उसके अंदर एट से भी ज़्यादा कलर होते हैं. एंड दी डेज इन दी वीक आर टू. जो डे होते हैं वो उसके अंदर सिर्फ दो डे होते हैं. क्या पता सैटरडे और संडे या फिर मंडे संडे ट्यूसडे संडे वेडनेसडे संडे ऐसे ऐसे क्या पता. एंड देयर यू सी मोस्ट क्यूरियस साइट्स.
बहुत सारी पागल जैसी हरकतें भी देख सकते हैं हम वहां पे, पागलों जैसी। विच कैन मेक अ डेड क्रो रोल, जब ये समझ लो कौआ है, ये मर गया, ये फिर भी ये रो कर रहा है। क्या कर रहा है? रोर कर जा रहा है, बार बार मरा हुआ कवर रोर कर रहा है। द एसेस टू रोम हैव ओनली टू लेग्स, जो एसेस होता है वो डुप्लीकेट होता है गधे का डुप्लीकेट होता है, उसके पास टू लेग्स थी, टू, वन टू, टू लेग्स थे। हाँ, वाइल द मैन हु वॉक्स हैव फोर लेग्स, और जो इंसान थे वो चार लेग्स पे चल रहे थे। जहां पर भी ये हो उसका जल्द तेज से बोलेंगे, वाई द मैन हु वॉक्स हैव फोर लेग्स, जो इंसान थे वो चार टांगों पे चल रहे थे ऐसे। एंड देयर दी अर्थ क्लाइंब अप द स्काई, उधर ऐसा लग रहा था कि ये जो हमारी अर्थ है वो स्काई पे जा रही है। टू टिल इट दी सो द ग्रेन्स, ग्रेन्स देखने के लिए कि उनके ग्रेन्स उग गए या नहीं। क्या वो अपने आसमान में ग्रेन्स उगाते हैं? पागल हरकत है। द बोट्स गॉज मूविंग ओवर द रॉक्स, रॉक्स के ऊपर से चल रही थी, पहाड़ों के ऊपर से बोट्स चल रही थी। एंड ओवर दिस इज द ट्रेन, और जो नदियाँ जो ओशंस थे उसमें तो पानी ही था, उसके ऊपर से, अरे उसके ऊपर से ट्रेन्स चल रही थी, ऐसे ट्रेन्स चल रही थी। चलो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हम इसी टॉपिक में दो चैप्टर करेंगे, ये तो पहले ही चल रहा है, हम दो चैप्टर करेंगे अभी। एंड देयर द नॉर्थ एंड साउथ एक्सचेंजिंग प्लेस, ये जैसे कि ये नॉर्थ ये साउथ, ये दोनों नॉर्थ कभी यहाँ जा रहा साउथ कभी यहाँ, ऐसे ऐसे खेले जा रहे थे। टू पास देयर प्ले टाइम, अपना जो प्ले टाइम है वो बिता सकें। द सन इट राइज ड्यूरिंग द नाइट, रात में सूरज निकलता था 8 घंटे सिर्फ। एंड द मून्स कम आउट इन द डे, और मून निकलता था पूरे के पूरे। चलो हम माइनस करते हैं, एक 24 में से 8 गया, इसने इसको कैरी दे दी, ये बन गया 14। अब 14 में से कितना गया कि 8 है, 14 में से 8 गया, 14, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1, 16 घंटे निकलता था मून। कितना
कितना अजीब होता अगर वहां पर रहते तो, कितने पागलपन थे। आई हैव अराइव्ड एट द क्यूरियस टाउन विच द मार्केट विद क्यूरियस मार्क, मतलब मार्केट अगर नॉर्थ में हो तो कभी साउथ, नॉर्थ साउथ में जाएंगे क्या? ये वही वाला पैराग्राफ है जो फर्स्ट में था। एंड देयर पपीज म्यू म्यू एंड द किटन्स बार्क बार्क, एक इसने लिखा हुआ बाय हरिनंदन चोपड़ा, सॉरी हरिनंदन चाटोपाध्यान या। चलो हम अब ना दूसरा टॉपिक खोलते हैं, वो बहुत छोटा है, एक ही पेज का। ऊपर लिख लो क्लास वर्क, उस वाले पे भी लिख लेना। एक लड़की थी, ये उसका ड्रीम है जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, फ्यूचर में हो सकता है लेकिन क्या पता कब हो। इफ आई वर टू बोर्न अ बर्ड, वो कह रही है कि अगर मैं एक पक्षी बनी होती, उसमें बोर्न हुई होती, आई वुड फ्लाई एंड फ्लाई ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड, मैं पूरे गगन को छू जाती, गगन से भी ऊपर चली जाती। बताओ मम्मी उसकी अलाउड करती? हमारी मम्मी तो चाटक सा ठिकाने लगा देंगी, हम बोलते हैं ना मम्मी ने मारे। आई वुड सिंग अलोंग, मैं अकेली गाती, दी रिवर्स एंड राइवल्स, मैं नदियों के साथ गाती, राइवल्स मतलब डीप नैरो वैलीज, इन दी फॉरेस्ट ऑफ पाइन्स, मुझे ब्राउन चाहिए अभी, ब्राउन नहीं है क्या? मुझे लगता नहीं है। चलो कोई डार्क कलर ले लेती उस ब्राउन की जगह। देखो ये तो होगी लॉग, अब मुझे चाहिए होगा ग्रीन, ऐसे जैसे क्रिसमस ट्री होता है ना, ये पाइन्स होते हैं, ये पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं, जो पहाड़ी वाली जगह होती है ना वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। इंडिया में जो साउथ और मिड वाली जगह होती है उधर तो बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं। एंड इन दी ग्रेप वाइन्स, जहाँ पर ग्रेप्स होते हैं ना वहाँ पर भी गाती रहती, लाइक अ जिंगल, जिंगल होती है एक बर्ड वो, ऑफ द नाइट एंगल, नाइट एंगल भी एक बर्ड है, कितनी टाइप्स की बर्ड है। इन दी मिडो ऑफ स्प्रिंग, हम एक मिनट ये वाला पूरा कर लेते हैं विदाउट लाइन। आई वुड सिट फ्री, जोन से सबसे ऊपर लाइन हो ना वो वाली, मैंने ये नहीं समझा है ना, मिडो मीन्स चल सबसे नीचे जाके देख, फील्ड ऑफ ग्रास एंड फ्लावर्स, स्प्रिंग में, स्प्रिंग पतझड़ का मौसम। आई वुड सिट फ्री,
मैं खाली बैठती। जो से सबसे ऊपर है ना लाइट, वो वाली रीड करो। एडमिस्ट एंड दी फ्लावर, एडमिस्ट दी फ्लावर्स ऑफ दी ट्री। जो पेड़ और फूल होते हैं वहां पर। एंड वॉच, चल मैं लाइन लगाती हूँ। अब हमारा कलर रेडी है, आ जाओ मैजिकल करते हैं कुछ मैजिकल। एंड वॉच, अरे एंड वॉच एंड वॉच कलर्स ऑफ चेंजिंग स्काई। एंड वॉच कलर्स चेंजिंग स्काई। एंड वॉच कलर्स ऑफ चेंजिंग द मैजिक चल नहीं रहा ऑफ द स्काई। ये जो स्काई होता है, स्काई तो ब्लू होता है। मैजिकल ही ले क्या? नहीं इस बार मैजिकल नहीं, ये स्काई है। स्काई कभी कभी ऑरेंज हो जाता है, रेड ग्रीन ऐसे ऐसे कलर चेंज हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? अरे हम तो अपना कंटिन्यू करते हैं, हम तो अपना रेड कलर ले रहे हैं। हमारे शेर कौन सा था? ये वाला, चलो ये वाला ले लेते। थॉट दी रेनबो वुड फ्लाई, थॉट आई वुड फ्लाई दी कलर्स विद, सोचती कि मैं उड़ू। एंड विद कलर्स ऑफ माई ओन विंग्स आई वुड मेक हिम शाई। ये जो रेनबो होता है वो मेरे विंग्स देख के शर्मा जाता है कि मेरे पास इतने अच्छे अच्छे कलर्स क्यों नहीं है। बोला था ना छोटे चैप्टर। अब चलो मैं आपको बताती हूँ अब क्या लिखना है ऊपर। ऊपर क्लास वर्क या फिर होमवर्क भी लिख सकते हैं। ये फैंटासी थी ना, चैप्टर नेम इज फैंटासी, चैप्टर नेम इज फैंटासी, चैप्टर नेम फैंटासी, क्लास वर्क चैप्टर नेम है फैंटासी, चैप्टर नेम है फैंटासी। क्या चैप्टर नेम? फैंटसी। क्या ये क्लास वर्क? फैंटसी क्लास वर्क। गुड बाय।